हेलो फ्रेंड्स, सफल बिजनेस मास्टरी कोर्स फोर्स के पार्ट वन में आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस 20 से 200% ग्रो होना चाहिए? वेरी गुड। और क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस आपके ऊपर नहीं, आपके बिना चलना चाहिए? यस। अगर आपका आंसर यस है तो ये वीडियो देखते रहिए। ये वीडियो मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है और थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इन दिस कोर्स। और आज हम देखने वाले हैं कि इस वीडियो में कि बिजनेसमैन क्यों फेल हो जाते हैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए, राइट? तो क्या क्या रीजन है जो मैं अक्सर सेमिनार में पूछता हूँ, उसमें अलग अलग रीजन निकल कर आते हैं। उसमें से पहला जो रीजन निकल कर आता है वो आता है पावर ऑफ इंटेंट। पावर ऑफ इंटेंट का मतलब है, क्या आपकी इंटेंशन थी एक बड़ी कंपनी बनाने की? और अगर थी तो कितने लोगों से आपने डिक्लेयर किया था, कितने लोगों के से आपने इसके बारे में चर्चा की थी? क्या आपने बोला था कि मैं आने वाला 12 महीनों में अपने बिजनेस को 10 लाख से 1 करोड़ पे लेके जाने वाला हूँ? अगर वो 1 करोड़ पे है तो 10 लाख पे लेके जाने वाला हूँ, 10 करोड़ पे है तो 50 करोड़ या 100 करोड़ पे लेके जाने वाला हूँ? क्या आपने डिक्लेयर किया था? और नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था, मुद्दा ये आता है। तो कहीं ना कहीं हमें खुद को सेल्फ डाउट था कि होगा कि नहीं, और ये होगा कि नहीं चक्कर में पक्का नहीं होगा। लेकिन अगर हम डिक्लेयर कर देते हैं, बोल देते हैं, हमारा बिलीफ स्ट्रांग है, बोल देते हैं लोगों को, तो कल को लोग हमारा गिरवान पकड़ के पूछ सकते हैं, सलमान बड़ी बड़ी बातें किया था, क्या हो गया तेरे बिजनेस का, तूने ऐसा बोला था, ये करने वाला है, क्या हुआ तेरे बिजनेस का? तो लोग आपसे पूछ सकते हैं, और जब वो पूछेंगे, आप इमेज कॉन्शियस हैं, हम लोग अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेंगे। और वो 10 लाख का 1 करोड़ अगर नहीं भी होगा तो एटलीस्ट 50, 60, 70, 80 करोड़ लाख तो हो ही जाएगा हमारा बिजनेस, राइट? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहला पार्ट है डिक्लेरेशन इज मस्ट, डिक्लेयर करना पड़ेगा। हर वो आदमी जिसने अपने बिजनेस को यहां से यहां लेकर गया है वो डिक्लेयर करता है। आज इलेक्शन में मोदी जी क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं लोग बीजेपी वाले कि हम 200 पार के 300, अब की बार 300 पार, नंबर डिक्लेयर करते हैं, भले वो पार होगा या नहीं होगा लेकिन डिक्लेरेशन इज मस्ट, वो डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो डिक्लेरेशन इज मस्ट, तो पहली चीज़ है आप को डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना, और अगर नहीं कर रहे हैं यही रीज़न है हम अब तक फेल हो रहे हैं। सेकेंड जो चीज़ आती है वो आती है अकाउंटेबिलिटी। हमसे कौन पूछने वाला है, हमसे कोई पूछने वाला है, हमसे कौन पूछ सकता है? कोई अगर आपसे हिसाब पूछ लेता है कि बिजनेस कहाँ जा रहा है तो बोलते हैं किसी के बाप में दम नहीं जो हमसे सवाल कर सकता है। अपने दम पे खड़े हैं, हमने अपने दम पे बिजनेस को यहां पर लेकर आए, तुम होते कौन हो पूछने वाले, किस हक से पूछ रहे हो, राइट? और ये जो चीज है ना, ये हमें बर्बाद कर दिया। जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने ऊपर कोचेज वगैरह को रखते हैं कि वो अकाउंटेबल होते हैं कि हमसे सर रिपोर्ट लो, हमसे आके पूछो, हमारी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है ना कुछ टाइम करता है फिर गिवअप करता है, तो उसे एक्सटर्नल फोर्स ये पुश करने के लिए, तो कोई पुश करने वाला होना चाहिए, कोई पूछने वाला होना चाहिए। और रिश्तेदारों को, घर परिवार मेंबर को तो हमने इतना हक दिया नहीं है, और बाहर के लोगों को हम लाए नहीं है, राइट? तो इसलिए आपकी लाइफ में कोचेज वगैरह होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। आप बहुत सारे लोग हैं जो जॉब से बिजनेस में आए हैं, लेकिन जब तक वो जॉब में थे देख रहे थे बहुत बढ़िया उनका डिपार्टमेंट चल रहा था, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, उनका धंधे भी अच्छे चल रहे थे, लेकिन वही लोगों ने जब अपने धंधे शुरू किए तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी रिपोर्टिंग नहीं है ना, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, कोई पूछने वाला होना चाहिए। और नेक्स्ट रीजन जो आता है वो आता है विकेट कीपर वर्सेस बॉलर। विकेट कीपर का काम क्या है, विकेट कीपर का काम है जब बॉल आएगी तब वो एक्शन में आएगा, राइट? और जब तक बॉल नहीं आएगी तो वो हाथ बांध के खड़ा रहेगा, बाजू वाले को तंग करेगा, इधर जो करेगा वो टाइम पास करता रहेगा, जैसी बॉलर ही फट से पोजिशन में आ जाएगा। सेम वे विकेट कीपर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कस्टमर के आने का वेट करता है, जब कस्टमर आएगा तब वो पोजिशन में आएगा, और जब कस्टमर नहीं आएगा तब तक वो कुछ नहीं कर रहा है, राइट? कस्टमर आएगा तो पोजीशन में आएगा, कस्टमर नहीं तो मक्खे मार रहा, टाइम पास कर रहा है, कोविड है, कोरोना है, लॉकडाउन है, रिसेशन है, मंदी है, मार्केट टाइट है, अब मार्केट में पहले जैसी बात नहीं रही, अब धंधा करना इतना आसान नहीं है, ऑनलाइन मार्केट ने खत्म कर दिया है, ये सारी कहानी बताएगा क्योंकि वो विकेट कीपर है। दूसरा जो होता है बॉलर होता है, बॉलर क्या करता है 9 घंटे तक नेट में स्टंप लगा के बॉलिंग प्रैक्टिस करता है, बॉलिंग करते रहता है, राइट? तो बॉलर एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, कस्टमर आवे या नहीं आवे वो मार्केट एंड में बॉलिंग करते रहते हैं। आपने देखा होगा जो ऑनलाइन कंपनीज है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो, इन लोगों से किसी टाइम पे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा था और आपका डेटाबेस वहां चला गया, आज ये कंपनियां क्या कर रही है, उस डेटाबेस पे एसएमएस कैंपेन, व्हाट्सएप कैंपेन, ईमेल कैंपेन चलाते हैं और ट्रैफिक को जनरेट करते हैं। तो यहां से बम्बार्डिंग हो रही है। अभी लॉकडाउन में जो लास्ट लॉकडाउन लगा था आपको याद होगा, बम्पर मेगा सेल निकाला था, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिके थे, मोबाइल की तो भरमार लोगों ने खरीदी की थी, राइट?
तो ये लोग क्या करते हैं, कैंपेन करते हैं, क्या हम हमारे बिजनेस में करेंगे तो इससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। मैं मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको बोलता हूँ SMS कैंपेन, व्हाट्सएप कैंपेन, ये सारी चीज़ें करो। जब से आपने धंधा शुरू किया था तब से आपके पास इतना बहुत सारा डेटाबेस रहेगा, वहां पर बॉलिंग करना शुरू करो, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा, राइट? तो हमें विकेट कीपर एंटरप्रेन्योर बनना है, बॉलर एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, कस्टमर के आने का वेट नहीं करना है, राइट? नेक्स्ट चीज रीजन जो आता है वो आता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्सेस एंटरप्रेन्योर। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड के पास भी टीम होती है और एंटरप्रेन्योर के पास भी टीम होती है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड की टीम होने के बाद भी वो हर चीज में खुद घुसा रहता है क्योंकि टीम इतनी एम्पावर नहीं होती है, राइट? तो मुझे क्या करना है, टीम को एम्पावर करना है और मुझे टीम से काम करवाना है, इंडिपेंडेंटली काम करना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर कुछ नहीं करता है, एंटरप्रेन्योर सिर्फ रिस्क लेता है और उसकी टीम उसका बिजनेस को लेकर जाती है। तो एम्पावर टीम, टैलेंटेड टीम, इस तरह के लोगों को लेकर आना है हमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? इन सारी चीज़ों पर काम करना है। नेक्स्ट रीजन जो आता है जो बिजनेस ओनर्स फेल होते हैं वो है, वो होता है मैं हो गया सेल्फ, राइट? और दूसरा हो गया मेरा इंटरप्राइज। तो मतलब मैं हो गया इंडिविजुअल और मेरी कंपनी इंटरप्राइज, मतलब मैं इंडिविजुअल सलमान खान और मेरी कंपनी सफल ट्रांसफॉर्मेशन, और इन दोनों चीज़ों को जब हम मिक्स कर देते हैं तब पंगे शुरू होते हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। सलमान खान एक अलग पर्सनैलिटी है और मेरी सफल ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग कंपनी है, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? आज हम बोलते हैं मेरी तबीयत सही नहीं है, मतलब मैं हर जगह भाग नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, तो इतना प्रेशर नहीं चाहिए। भाई आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, आप लोगों को लेकर आओ, लोग लेके जाएंगे आपकी कंपनी को। मेरे घर में फंक्शन हो रहा है, मेरे घर में कोई बीमार हो गया तो मैं दुकान बंद कर दूंगा, धंधा बंद कर दूंगा, भाई धंधे का मेरे से लेने देना नहीं है। धंधा इमोशन से बिना, इमोशन के बिना चलता है, इमोशन से नहीं चलता है, और आपने, आप इमोशन से भरे हुए तो आप कनेक्ट हो गए, राइट? तो आपकी कंपनी जो है वो अलग है और आप अलग है, और इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। कंपनी आपके साथ भी चलना चाहिए, आपके बाद भी चलना चाहिए, आप पे नहीं चलना चाहिए, राइट? तो मैं अलग हूँ, मेरी कंपनी अलग है, और कंपनी को आगे बढ़ने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें करना पड़ेंगी मुझे, राइट? तो हमने जो 5 चीज़ें देखी, पहली चीज़ देखी हमने पावर ऑफ इंटेंट, इंटेंट के बारे में बात की हमने, हमारा इंटेंशन है या नहीं, अगर है तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ हमने बात की अकाउंटेबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी अब तक इसलिए हम लोग फेल होते आ रहे थे। और थर्ड जो बात हमने की वो की हमने विकेट कीपर और बॉलर की, तो हमें विकेट कीपर नहीं बनना है, बॉलर बनना है, बॉलर एंटरप्रेन्योर बनना है। और फोर्थ जो हमने बात की वो कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वर्सेस एंटरप्रेन्योर, हमें सेल्फ एम्प्लॉयड से निकल के अब एंटरप्रेन्योर जर्नी में आना है, जहां पर हमको टीम को तैयार करना पड़ेगा, जो मैंने टीम बिल्डिंग में सिखाया था आपको सारी चीज़ें, टीम को तैयार करना है, और इंडिपेंडेंट हमारा काम चलना चाहिए, हमारे बाद हमारे साथ और हमारे बाद भी काम चलना चाहिए। और फोर्थ और फिफ्थ जो चीज़ मैंने बात की थी इंटरप्राइज वर्सेज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अलग है, इंटरप्राइज अलग है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और अब इन चीज़ों पर आपको काम करना है। पार्ट 2 में मिलेंगे और वहाँ पर हम और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।